हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरकेएम और आज हम लेंगे मैथ का टॉपिक बोट एंड स्ट्रीम की कुछ और टाइप के क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट बोट एंड स्ट्रीम का मैं बता चुका हूं पार्ट वन के अंदर। आप वो पार्ट वन देख लीजिएगा जिससे कि आपको इस इन क्वेश्चंस को करने में आसानी होगी, ताकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। एंड सेकेंड पार्ट जो आज क्वेश्चन करवा रहे हैं वो थोड़े टफ क्वेश्चंस हैं और जिन्हें हम ट्रिक से कैसे जल्दी सॉल्व करें। मेनली टफ तो कुछ होता नहीं है, बस कैलकुलेटिव होता है। सो फ्रेंड्स, हम इस चीज़ को जल्दी करने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है 13। ए मैन कैन रो 25 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम एंड 39 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन अ टोटल ऑफ 8 आवर्स, वाइल 52 किलोमीटर विद द स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन टोटल 10 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। सो फ्रेंड्स, अब तक के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। एंड आज की चीज़ शुरू करते हैं। तो 13th क्वेश्चन के अंदर आप इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ सकते हैं, जैसे कि एक नाविक 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विपरीत और 39 किमी धार के साथ जाने में 8 घंटे लेता है, जबकि 52 किलोमीटर धारा के साथ और 30 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में 10 घंटे लगाता है। नाव की गति ज्ञात करें। सो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हमने सीखा था बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर कि इन्हें लिखते कैसे हैं। तो ये है 25 किलोमीटर्स अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं, प्लस 39 बाय डाउन स्ट्रीम इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 8 आवर्स के अंदर। एंड सेकेंड हो जाएगा 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी बी माइनस डब्ल्यू, और हमने लिखना सीखा था कि बी माइनस डब्ल्यू हम किसको रेफर कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, 52 डाउन स्ट्रीम इज इक्वल्स टू 10 आवर्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये टाइम लग रहा है उसे जाने और आने में, ये किलोमीटर्स। सो फ्रेंड्स, एक तो हम डिटेल मेथड है कि हम डिटेल मेथड करना चाहें तो डिटेल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इसको। जैसे कि हम शुरुआत से सॉल्व करते आए थे कि अगर हम 30 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें, 25 को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये वैल्यू सेम हो जाएंगी, कट जाएंगी और हम इस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे। तो यही मेथड है। तो हम इस चीज़ को सिंपल भी कर सकते हैं, 5 6 5 5। तो हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और इस पूरी इक्वेशन को 5 से। ओके फ्रेंड्स, तो हम इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर पा रहे होंगे, तो इस चीज़ को तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये भी 5 3 15 और 25 6 150, तो कुल मिला के ये तो पार्ट कट ही जा रहा होगा, तो माइनस करेंगे तो इक्वल। फिर इस चीज़ को देखा जाए तो 39 6 जब हम इस चीज़ को देख रहे होंगे तो ये आएगा 234, क्योंकि इससे भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 234। और इसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर पा रहे होंगे, जब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर पा रहे होंगे तो यहाँ पे मिलेगा 260। तो हम माइनस करेंगे, 260 माइनस 234 इज इक्वल्स टू -226 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 8 माइनस 2, और इसमें नीचे आएगा बी प्लस डब्ल्यू। तो बी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू -26 बाय -2, इधर गए इधर गए, ये हो जाएगा 13। तो इससे आएगा हमारा बी प्लस डब्ल्यू जो कि है डाउन स्ट्रीम, उसकी 30 किलोमीटर पर आर जाने की स्पीड आ जाएगी हमारे पास। एंड सेकेंड, हम अब बी माइनस डब्ल्यू निकालेंगे। अब बी माइनस डब्ल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को रखेंगे उसमें वापस। सो फ्रेंड्स, हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर इसको रखते हैं, तो 25 बाय बी माइनस डब्ल्यू प्लस 39 बाय बी प्लस डब्ल्यू, प्लस डब्ल्यू की डायरेक्ट वैल्यू 13 रख देते हैं, इज इक्वल्स टू 8 आवर्स। 13 से ये चला जाएगा 3 से, तो 3 इधर साइड जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, और 25 बाय बी माइनस डब्ल्यू तो ये हो जाएगा 5। तो बी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर्स पर आर, हमारी दो इक्वेशंस हैं। सो फ्रेंड्स, अब दो इक्वेशंस आ गई हैं हमारे पास, इज इक्वल टू 13 एंड बी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 5। तो अब इन चीज़ों को, इसको भी फिर से सॉल्व करना पड़ेगा हमें, और सॉल्व करने का तरीका बताया ही हुआ था कि बोट की स्ट्रीम इज इक्वल्स टू जोड़ का आधा, यानी 13 प्लस 5 बटा 2, तो
इज इक्वल्स टू 9। एंड वाटर की स्पीड, वाटर की जो आएगी स्पीड वो आएगी घटाकर डिफरेंस का आधा, मतलब 13 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 4। तो ये हमारे दोनों की स्पीड आ गई जो कि हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर। एंड फ्रेंड्स, इस चीज़ को करने का एक और तरीका है। जैसे कि हमारे पास जो इक्वेशंस थी वो थी 25 बाय बी माइनस डब्ल्यू प्लस 39 बाय बी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 8 आवर्स, 30 डिवाइडेड बाय बी माइनस डब्ल्यू प्लस 52 डिवाइडेड बाय बी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 10 आवर्स। सो फ्रेंड्स, हम ढूंढ सकते हैं इनके फैक्टर्स 25 और 39 या फिर 30 और 52, किसी के भी ढूंढ लो, क्योंकि वो कैलकुलेटिव जिस तरह से देता है एसएससी वो हम कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं बी माइनस डब्ल्यू एंड बी प्लस डब्ल्यू के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, तो किस प्रकार से कर रहे हैं। मान लेते हैं 25 हमने ऊपर वाली इक्वेशन के लिए 25 और 30, तो ऐसी वो सारी टेबलें लिखनी है जिन टेबलों के अंदर ये फैक्टर्स आते हों। जैसे 5 तो 5 फैक्टर हो गया, 13, 3 एंड 1। ओके फ्रेंड्स, तो ये आ गई यहाँ की वैल्यूज। तो अब क्या हम ये दोनों वैल्यू लें तो 8 आ सकता है, क्योंकि जो वैल्यूज यहाँ लेंगे वही वैल्यू नीचे लेंगे हम। तो क्या 25 और 39 लेकर के हम फैक्टर 8 लेकर आ सकते हैं? नहीं, क्योंकि 25 और प्लस 39 ज़्यादा हो जाएगा 8 से। तो हम देखते हैं क्या, क्योंकि एक चीज़ तो श्योरिटी है कि ये अगर अपस्ट्रीम है तो इसकी स्पीड हमेशा इससे कम ही होगी। तो हम अगर 25 और 13 को तो ले नहीं सकते क्योंकि गलत होगा, क्योंकि अपस्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा और डाउन स्ट्रीम की कम, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम दूसरी जो चेक करेंगे वो करेंगे 39 एंड 5 के बीच में। तो अगर 39 हो जाए इसकी वैल्यू एंड ये हो जाए 5, तो क्या हो सकता है? तो 5 से डिवाइड करें, 5 5 जा 25, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 39, 39 प्लस 5 8 ज़्यादा आ रहा है, तो हम ये भी नहीं करेंगे। हम तीसरा ट्राई करते हैं कि 5 और 13 लेकर देखते हैं, ले सकते हैं क्योंकि अपस्ट्रीम है जो कम है, डाउन स्ट्रीम ज़्यादा है। तो अगर हम 13 लेते हैं तो ये हो जाएगा 13 इंटू 3 और 5 लेते हैं 5 इंटू 5, तो कुल मिलाकर के हमें ये मिला और ये मिला, क्योंकि हम फैक्टर्स 13 और 5 ले रहे हैं एंड वैल्यूज 3 और 5 आ रही हैं। ओके फ्रेंड्स, तो 3 और 5 और यही चीज़ नीचे भी आनी चाहिए हमारे पास। तो हम देखें 13 से डिवाइड करके 13 इंटू 4 52 हो जाता है और 5 इंटू 6 65 30 हो जाता है। तो हमने ये चीज़ नोटिस की कि ये जो 5 आया और 3 आया, ये फैक्टर्स हमने 13 एंड 5 लिए, 13 एंड 5 लिए, तो कुल मिला के जब हम 13 और 5 रखते हैं तो ये 5 और ये 3 आता है, 5 प्लस 3 8, और 13 और 5 लेते हैं तो ये 4 और 6 तो 10 आवर्स। तो कुल मिलाकर के 13 और 5 का जो फैक्टर है वो यहाँ पे मैच कर गया। तो इस चीज़ को मैच कर गया, यानी कि बी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 13 जो कि ये वैल्यू है, और बी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 5 जो कि ये वाली वैल्यू है। सो फ्रेंड्स, हम डायरेक्ट ही वैल्यू निकालेंगे, बी इज इक्वल टू 13 प्लस 5 18, 18 बाई 2 9, एंड डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डिफरेंस का हाफ, यानी कि 13 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 8, 8 बाई 2 यानी कि 4। तो 1 किलोमीटर पर आर इनकी स्पीड आ गई दोनों की। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट, कि हम अगर फैक्टर्स को देखें ध्यान से तो फैक्टर्स से हम वैल्यूज निकालें और वैल्यूज को हम, ये कैलकुलेटिव कम है, बस दिमाग अगर खोल के सोचें तो मैं क्वेश्चन ही आराम से हो पा रहा होगा। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को वापस से इससे ट्राई कीजिए। आप अगर ऊपर वाला मेथड करना चाहते हैं तो ऊपर वाला कीजिए, और नीचे वाला करना चाहते हैं तो नीचे वाला कीजिए, और प्रैक्टिस जरूर कीजिए, एक बार करके देखिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी लेते हैं इस तरह के मेथड से और डिटेल मेथड से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो फ्रेंड्स, 14 क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन रो 24 किलोमीटर विद अ स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 9 आवर्स, व्हाइल 36 विद स्ट्रीम एंड 24 अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 8.5 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। सो फ्रेंड्स, इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी सेम चीज़ें दी गई हैं। हम इस चीज़ को क्वेश्चन को पहले डिटेल मेथड से करके देखते हैं। तो क्वेश्चन में लिख रखा है कि वो जब 24 किलोमीटर विद स्ट्रीम यानी डाउन स्ट्रीम जाता है, यानी कि बी प्लस डब्ल्यू प्लस 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है यानी बी माइनस डब्ल्यू, तो टोटल समय जो उसको लग रहा है वो है 9 आवर्स। एंड जब वह व्यक्ति
36 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम, प्लस 24 किलोमीटर जाता है अप स्ट्रीम, तो उसे लगते हैं 8 1/2 आवर्स, यानी कि 17/2 आवर। सो फ्रेंड्स, हम इसको डिटेल मेथड से सॉल्व किस प्रकार से करते हैं कि हम ऐसी कोई वैल्यू देखेंगे जो मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों को इक्वेट कर देती हो। तो अगर हम इस चीज़ को 3 से मल्टीप्लाई करें और इस चीज़ को करें 2 से मल्टीप्लाई, तो कंप्लीट 3 3 2 एंड 2 एंड 2 एंड 3। सो फ्रेंड्स, तो 24 3 एंड 36 2 मल्टीप्लाई करने पर सेम बराबर आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को माइनस कर पा रहे होंगे, तो 36 3 एंड 24 2, तो हम इस चीज़ को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 60 डिवाइडेड बाय b माइनस w। एंड इस चीज़ को माइनस कर रहे होंगे, 9 3 19 2 17, 27 माइनस 17, तो ये आ गया हमारा 10। सो फ्रेंड्स, क्योंकि 24 3 72, 36 2 72, तो ये तो कट गया जो हम इसको माइनस कर पा रहे होंगे। एंड 36 3 करें तो 108, एंड 24 2 48, तो 108 माइनस 48 60, एंड 9 3 27 17, तो 2 से 2 कट गया, 27 माइनस 17 10। सो फ्रेंड्स, यानी कि ये 108 था, ये 48 था, 72 72 27 एंड 17, तो माइनस कर पा रहे होंगे अब। तो ये हमें दिया, तो यानी कि बी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 6। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास आ गई। सेकेंड इक्वेशन निकालने के लिए हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो 24 डिवाइडेड बाय b प्लस w प्लस 36 डिवाइडेड बाय b माइनस w की वैल्यू क्या है, 6 इज इक्वल्स टू 9। तो 6 6 6 इस तरफ जाएगा, तो 3 24 बाय b प्लस w, तो b प्लस w की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 8। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, बी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 8 एंड बी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 6। या तो हम उस तरफ से सॉल्व करें, या फिर हम ध्यान से ये जब कोफिशिएंट हमें 8 मिलता है, हम क्या करते हैं, जोड़ का आधा, यानी 8 प्लस 6 इज इक्वल 14 डिवाइडेड बाई 2, यानी 7। या हमारे बोट की स्पीड आ जाएगी, एंड स्ट्रीम की स्पीड निकालने के लिए डिफरेंस का आधा, यानी कि 8 माइनस 6 2 2 का आधा 1, तो 1 किलोमीटर पर आवर हमारी वैल्यू आ रही होगी। तो ये तो हुआ डिटेल मेथड जो हम करना चाहें। एंड सेकंड जो क्वेश्चन आता है वो है शॉर्ट मेथड या ट्रिक मेथड कैसे करें इस चीज़ को। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन हम वही रखेंगे कि इक्वेशन जो दे रहा था 24 डिवाइडेड बाय b प्लस w डाउन स्ट्रीम प्लस 36 अप स्ट्रीम इज इक्वल्स टू 9 आवर्स, एंड 36 अप डाउन स्ट्रीम प्लस 24 अपस्ट्रीम इज इक्वल्स टू 17/2 आवर्स। सो फ्रेंड्स, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले लेते हैं फैक्टर्स, या फिर हम फैक्टर लें या टेबल्स लें जिसमें ये आते हैं। तो बी प्लस डब्ल्यू 24 लिया है, एंड बी माइनस डब्ल्यू 36 लिया है। तो हम देखेंगे 24 किस किस में आता है। एक तो 12 की टेबल में आता है, 8 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 3 एंड 2। हम देखें 36 किस में आता है, तो ये आता है 18 12 9 6 4 3 एंड 2। सो फ्रेंड्स, अब सिर्फ और सिर्फ हम मैच करेंगे कि किस में आकर के ये वैल्यूज मिल सकती हैं, यानी कि 9 आवर्स एंड 17 बाय 2 आवर्स। तो पहले इसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो हमें ये पता है कि ये डाउन स्ट्रीम है, तो ये हमेशा इससे ग्रेटर देन ही होगा। अगर ये ग्रेटर देन होगा तो सबसे पहली वैल्यू हमारी 12, तो ये हो नहीं सकती, क्योंकि अपस्ट्रीम की वैल्यू उससे ज़्यादा कैसे हो सकती है। फिर 12 है, तो ये 12 बराबर भी क्यों हो सकती है, क्योंकि वो तो कह रहा है कि वो अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी कि पानी का कुछ ना कुछ तो बहाव है। एंड लास्ट वो आता है हमारे पास 9। ओके फ्रेंड्स, तो हम इस चीज़ को 9 के साथ देखें, तो 9 और 12 एंड 9, तो 12 2 9 से अगर इस चीज़ को करें तो 4 एंड 2 6 आता है। तो 9 आवर्स के लिए 6 आवर्स बराबर नहीं हो पाएगा। तो हम इस चीज़ को रिवर्स करेंगे, अब 8 लेंगे, तो 8 के साथ 9 आ नहीं सकता।
तो अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आया सिक्स, एट एंड सिक्स। तो एट एंड सिक्स देखें, तो एट इंटू थ्री, एट थ्री या 24, और सिक्स देखें तो सिक्स इंटू सिक्स। तो हमने कोफिशियंट्स क्या लिए, एक तो एट लिया है और एक सिक्स लिया है। तो वैल्यूज जो बची हैं वो एक थ्री और ये सिक्स, तो सिक्स प्लस थ्री कितना हो गया, नाइन आवर्स। तो ये हमारी वैल्यू सही हो गई कि बी प्लस डब्ल्यू एट है और सिक्स है, लेकिन हमें इस चीज़ को इससे भी सेटिस्फाई करवाना है। तो हम देखते हैं कि एट और 36, यानी कि अगर 8 मल्टीप्लाई बाय 4 1 बाय 2 इज इक्वल टू 36, एंड नीचे देखें हम तो ये आ जाएगा 6 इंटू 4। तो कोफिशेंट्स वही रहे 8 और 6, और वो वैल्यूज जो हमारी थी 4.5 और 4 मिलाकर 17 बाय 2 कहते हैं, या 8.5 कह सकते हैं। सो फ्रेंड्स कोफिशेंट सही हैं, तो यानी कि बी प्लस डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम की स्पीड हमारे पास आ गई कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड 8 है एंड अप स्ट्रीम की स्पीड हमारे पास कितनी है, 6। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपल करते हैं, बी इज इक्वल्स टू, बोट की स्ट्रीम निकालने के लिए सम का आधा, यानी कि 8 प्लस 6 इज इक्वल 14, 14 का आधा 7, और वाटर यानी कि स्ट्रीम की स्पीड निकालने के लिए डिफरेंस का आधा, यानी 8 माइनस 6 2, 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर पर आवर, जो कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट में सीख चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा इसका आंसर, और पहले भी हमारे आंसर यही आ रहे थे इनके और बोट एंड स्ट्रीम के भी। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सो फ्रेंड्स ट्वेल्थ क्वेश्चन देखते हैं, ट्वेल्थ क्वेश्चन में कह रहा है प्रियंका वॉज गोइंग इन अ बोट, सडनली हर कैप फेल इन टू द वॉटर एंड स्टार्टेड मूविंग अवे फ्रॉम हर बैकवर्ड विद अ स्ट्रीम, द बोट केप्ट ऑन मूविंग 12 मोर मिनट्स अगेंस्ट स्ट्रीम, व्हेन प्रियंका रियलाइज दैट हर कैप फेल इन टू द वॉटर शी टुक अ यू टर्न एंड रो विद द स्ट्रीम टू कैच द हर बोट कैप एंड द पॉइंट वेयर शी कॉट द कैप इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर शी स्टार्टेड, इफ हर कैप फेल इन टू द वॉटर 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट देन फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। सो फ्रेंड्स हम इसमें हिंदी में भी देखें इस क्वेश्चन को, तो कह रहा है प्रियंका अपनी नाव में जा रही थी, अचानक उसकी टोपी उड़ गई और पीछे की तरफ धारा के साथ बहने लगी, नाव धारा के विपरीत 12 मिनट और चलती रही, जब प्रियंका को यह ज्ञात हुआ कि उसकी टोपी उड़ गई है उसने नाव को घुमाया और उसने जहां से चलना शुरू किया था वहां पर टोपी को पकड़ा, अगर उसकी टोपी शुरुआत बिंदु से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की, प्रति घंटा नहीं होगा या 3 किलोमीटर होगा, 3 किलोमीटर दूर पड़ी उड़ी थी तो पानी की चाल ज्ञात करें। सो फ्रेंड्स हम देखें क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि नॉर्मली एक अपन जाते हैं तो हवा तो चलती है बोट के अंदर समंदर में या फिर नदी में कहीं भी, तो वो कह रहा है कि प्रियंका नाम की लड़की बोट चला रही थी, चलाते चलाते स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से उसने स्टार्ट किया वहाँ से चलाना शुरू किया और एक टाइम के बाद उसकी टोपी उड़ गई और उड़ने का पता उसे 12 मिनट बाद चला, और चलने के बाद में उसने वापस घुमाया और उस टोपी को पकड़ा, और कहाँ जाके पकड़ा, स्टार्टिंग पॉइंट पे। वो ये कह रहे हैं कि अगर वो जो कैप उड़ी थी वो 3 किलोमीटर दूर उड़ी थी स्टार्टिंग पॉइंट से, तो बताइए कि धारा की चाल कितनी है या स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, और सिर्फ लैंग्वेज की बात है, हम एक एक लैंग्वेज को पकड़ के चलते हैं तो हमें पता चलेगा कि मान लेते हैं कि वो स्टार्ट यहाँ से करती है, एक धारा ले ली, स्टार्ट यहाँ से करती है और वो रो करना शुरू करती है यहाँ से और यहाँ तक, मान लेते हैं यहाँ तक वो पहुँचती है, और पहुंचने के बाद उसे रियलाइज होता है, मतलब यहाँ पहुंचने के बाद टोपी उड़ गई, अब यहाँ पे टोपी उड़ी है और उसके बाद वो बोल रहे हैं कि वो उड़ने के बाद जस्ट घूमी नहीं, वो 12 मिनट तक चलती रही, यानी कुल मिलाकर के वो 12 मिनट चल रही थी, 12 मिनट। ओके फ्रेंड्स, और वो किस स्पीड से चल रही थी, वो बोल रहे हैं कि अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी कि बी माइनस डब्ल्यू। ओके फ्रेंड्स, तो बी माइनस डब्ल्यू से वो इस तरफ जा रही थी, उसके बाद यहाँ जाकर के उसने यू टर्न लिया, अब क्या वो यहीं पर पकड़ेगी, नहीं वो तो पकड़ेगी यहाँ पर, लेकिन जिस समय 12 मिनट ये आगे चल रही थी तो कैप कहाँ जा रही थी, कैप भी पीछे की तरफ जा रही थी, क्योंकि वो भी तो अपना स्पीड जो कि स्ट्रीम की है उसके हिसाब से, तो कैप कितने समय तक गई, 12 मिनट तक गई, और किस स्पीड से गई कैप जो गई है वो किस स्पीड से गई है, वो गई है स्ट्रीम की स्पीड यानी डब्ल्यू से। सो फ्रेंड्स ये तो हुई कैप की बात और उसकी बात बोट की, अब नेक्स्ट जो है कि इन दोनों के बीच में, क्योंकि वो रियलाइजेशन जो हुआ है यहाँ से और यहाँ तक, क्योंकि हमें पता है कि जो बीच का जो डिस्टेंस है वही तो चेज करना है,
और जो स्पीड की बात कर रहे हैं तो हम स्पीड कैसे निकालेंगे और किस तरह से, तो एक चीज़ हमें पता है कि हमने एक चीज़ सीखी थी टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर कि एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ जाए यहाँ से यहाँ जाए, जैसे मान लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर जा रहा है और ये 30 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, तो जब हम इसकी रिलेटिव स्पीड निकालते थे, रिलेटिव स्पीड की बात कर रहा हूँ, तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए 30 प्लस 20, तो हम स्पीड ऐड कर देते थे क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। उसी तरीके से हम इसमें भी करेंगे, और वो जो समय लग रहा है, जैसे कि समय कितना लग रहा है, तो ये हुआ 50, और जो समय लग रहा है वो समय कितना है इसके साथ, वो है 1 आवर इसका किलोमीटर पर आवर एंड 1 आवर इसका किलोमीटर पर आवर, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से क्योंकि 1 घंटा 1 घंटा। वही चीज़ हम इसमें करेंगे। अब दोनों चीज में क्या करेंगे, देखो 1 आवर लेंगे एक इसका इसका, तो हम देखते हैं कि 1 घंटे के अंदर वो कितनी चली या 2 घंटे में कितनी चली, हम वो निकाल सकते हैं। तो अब दूसरी बात ये कि ये कितना चल रही है, तो हमें पता है कि ये स्पीड कितनी है, बी माइनस डब्ल्यू, और ये कितनी है, ये डब्ल्यू। तो दोनों स्पीड को अगर प्लस कर दें और मल्टीप्लाई कर दें समय से, यानी 12 मिनट, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि 12 मिनट के लिए बी माइनस डब्ल्यू इधर जा रहा है और ये डब्ल्यू की स्पीड से इधर जा रहा है, तो कुल मिलाकर के ये जो बीच का डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 12 बी हमारा डिस्टेंस, तो ये आ गया 12 बी। ओके फ्रेंड्स, तो ये बीच का डिस्टेंस आ गया। अब इसके बाद मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहूँगा जो आपने हमने की थी एक बार, कि मान लेते हैं कि एक पुलिस चोर को चेज कर रही है, ओके फ्रेंड्स, और उन दोनों के बीच की दूरी है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर, और पुलिस की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर एंड चोर की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो हम इसको कैसे निकालते थे, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बात आती है डिस्टेंस कितनी है, तो 20, और 20 ही हम क्यों लिए, क्योंकि हम जब रिलेटिव टाइम की, रिलेटिव स्पीड की बात करते तो एक साथ जाने पर 50 माइनस 40 यानी 10 लेते थे, ताकि इसको कर लेते थे स्थिर, और उसके बाद ये यहाँ तक पहुँचेगा, ये बीच की दूरी क्लियर करने के लिए टोटल मिला के 2 आवर्स लगेंगे। तो ये था हमारा तरीका पुलिस और चोर के अंदर। तो मान लेते हैं कि ये बोट नहीं पुलिस है और ये नहीं चोर है, तो इस चोर को, इन दोनों को पकड़ने में, मान लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन के अंदर तो दे रखा है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे, लेकिन हमने अगर रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस तो उसे यहीं पे करना है क्लियर, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वही तो कवर करना है दोनों के बीच में, जैसे कि चोर और पुलिस के अंदर करते थे। तो 12B को यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब स्पीड क्या होगी, तो ये तो जाएगा विथ द स्ट्रीम यानी बी प्लस डब्ल्यू, क्योंकि विदाउट स्ट्रीम चल रहा था, और ये जाएगा डब्ल्यू की स्पीड से ही जाता रहेगा ये यहाँ तक। तो यहाँ तक पहुँचने में इसे कितना समय लगा, तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, 12B, और स्पीड कितनी है, ये और ये दोनों का डिफरेंस, क्योंकि हम दोनों का डिफरेंस ही तो निकालते थे चोर और पुलिस के अंदर, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, बस उसमें बोट और कैप आ गई, इसमें चोर और पुलिस होते थे। तो हम इस चीज़ में टाइम निकालें तो आएगा ये 12 मिनट। ओके फ्रेंड्स, तो 12 मिनट आ गया, तो कुल मिला करके 12 मिनट आ गया। उसके बाद ये कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि वो जो टोपी उड़ी थी वो उड़ी थी 3 किलोमीटर दूर स्टार्टिंग पॉइंट से, तो स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ पर उड़ी, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टोपी को कितना टाइम लगा, 12 एंड 12 24 मिनट। इसको आवर्स में बदलें तो 24 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल्स टू 2/5 आवर। अब 12 के टेबल से काट दिया, और हमें पता चलता है ये चीज़ कि जो हम स्पीड निकाल रहे हैं स्पीड स्ट्रीम की, वो स्पीड की स्ट्रीम हो जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 3 किलोमीटर, टाइम कितना है 2/5, 5 3 15, 15/2 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी स्पीड हो जाएगी स्ट्रीम की। ओके फ्रेंड्स, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम अप्रोच करेंगे, और ये दोनों कॉन्सेप्ट हम पहले से सीख चुके हैं कि किस प्रकार से अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं रिलेटिव स्पीड के हिसाब से, और चोर और पुलिस जब चेज करते हैं तो कितनी देर के अंदर, तो वही चीज़ चेज ये कर रहा है यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, 15th क्वेश्चन देखें,
ए शिप इज 77 किलोमीटर अवे फ्रॉम श्योर, देर इज अ होल इन द शिप फ्रॉम विच 2 1/4 टन्स ऑफ वाटर कम्स इन द शिप इन एवरी 5 1/2 मिनट्स। देर इज अनदर आउटलेट टैप विच थ्रोज आउट 12 टन्स ऑफ वाटर एवरी आवर। सो फाइंड द स्पीड ऑफ द शिप सो दैट वाइल इट इज अबाउट टू सिंक अनदर रेस्क्यू शिप विच इज कमिंग टूवर्ड्स इट विद अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर कैन सेव इट एंड 69 टन ऑफ वाटर इज सफिशियंट टू सिंक दैट शिप। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज अगर एक बार समझनी चाहे तो लैंग्वेज ये कह रही है एक शिप है जो 77 किलोमीटर दूर है किसी किनारे से और उसमें पानी भरता जा रहा है क्योंकि उसमें छेद हो रहा है और उसमें एक पंप भी लग रहा है जो कि कुछ पानी बाहर फेंक रहा है। वो ये कह रहे हैं कि वो जो नाव मतलब जहाज है वो डूब जाएगा अगर उसके अंदर 69 टन पानी भर जाता है। और वो ये कह रहा है कि वो 69 टन भरने तक या टन उससे पहले एक रेस्क्यू शिप उसको लेकर चली जाए तो इतना समय समय निकालिए कि उतने में वो काम खत्म हो सके, कि किस किस स्पीड से वो उस तक पहुंचे। तो हम एक चीज देखें कि स्पीड निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पहले तो ये कि पानी भर कितना रहा है, क्योंकि जितना भर रहा है उससे आधा कुछ तो निकल भी रहा होगा, तो टोटल कितना भर रहा है। और अगर वो जितना भर रहा है वो 69 टन कितनी देर में भर जाएगा, तो स्टेप वन ये रहेगा हमारा कि टोटल पानी घुस कितना रहा है और निकल कितना रहा है, और टोटल जो वाटर उसके अंदर बैठा हुआ है जो बढ़ता जा रहा है वो कितना है। फिर थर्ड स्टेप जो होगी हमारी वो ये होगी कि 69 टन कितने टाइम के अंदर भर लेगा। अगर हमारे पास टाइम आ जाएगा तो डिस्टेंस दे रखा है और हम उस चीज़ से स्पीड निकाल पा रहे होंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो शुरू में ये लिख रखा है कि 4 2 1 यानी 2 1/4 टन्स ऑफ वाटर कम्स, यानी कि कितना हो गया 4 2 8 9 by 4 टन्स। एंटर कितने समय में, 5 2 10 1 11 by 2 मिनट्स के अंदर 9 by 4 टन्स एंटर कर रहा है। तो हमें ये चीज पता है कि 1 मिनट में कितना कर रहा होगा, 9 by 4 into 2 by 11 टन। और यही चीज क्योंकि हमें जो आउटलेट दे रखा है वो पर आर दे रखा है 12 12 टन्स ऑफ एवरी 1 आवर, तो हम 60 मिनट कह लें या 1 आवर कह लें, तो 1 आवर के अंदर कितना हो जाएगा 9 by 4 इंटू 2 by 11 इंटू 60। सो जब हम इसको काट रहे होंगे तो ये कटेगा 2 1 जा 2 2 जा 2 30, 9 3 जा 27, तो 27 270 by 11 टन्स। एंटर ठीक है, कितने 1 घंटे में। तो वो ये एक और चीज बता रखी है उसके अंदर कि 1 घंटे के अंदर 12 टन जो पंप है वो बाहर की तरफ फेंकता है, तो यानी कि इस 1 घंटे में से 270 by 11 -12 इतना पानी, तो 11 2 जा 130 11 और 11 12 जा 132 by 11 माइनस करें तो 138 by 11 टन पर आर। तो ये एक्चुअली में वो पंप के निकल जाने के बाद, एक्चुअली में पंप के पानी निकालने के बाद इतना पानी उसमें बढ़ता जा रहा है हर घंटे। ओके फ्रेंड्स, तो ये आ गया। तो बताइए इस अवस्था में मतलब इस तरीके से अगर बढ़ता चले तो 69 टन जो कि टोटल कैपेसिटी है डूबने की, तो 69 में से अगर ये हर घंटे इतना भरता चला जाएगा तो कितनी देर में खत्म हो जाएगा, 11 ऊपर जाएगा 169 69, तो 2 जा तो 11 by 2 आवर्स। तो कुल मिला के 11 by 2 आवर्स क्या है, 11 by 2 आवर्स वो समय है जिसके अंदर ये जहाज डूब जाएगा, या कहें कि 5.5 घंटे के अंदर जहाज टूट जाएगा, और यानी 5.5 घंटे के अंदर अंदर उसे 77 किलोमीटर तय करनी है जो कि रेस्क्यू टीम भी आ रही है और ये भी जाएगा। तो एक तरह से हम अगर देखें ध्यान से तो हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि एक दूरी है हमें जो दे रखी है वो दूरी वो कितनी है 77 किलोमीटर्स, जो कि शिप को तय करनी है शोर से। तो शोर की तरफ से जो शिप आ रही है रेस्क्यू टीम उसकी स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर। एंड ये कितनी देर में डूब जाएगा, ये डूब जाएगा 11 by 2 आवर्स के अंदर। तो एक शिप जो यहाँ डूब रहा है वो भी चलेगा और वो भी चलेगा, तो कुल मिला के कितना, तो 77 किलोमीटर डिस्टेंस। और स्पीड क्या होगी, मान लेते हैं एक्स
किलोमीटर पर आवर से ये चल रहा है। तो 6 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू समय कितना है 11/2, 11/2 के अंदर काम खत्म। तो 11 सेवन जा 14 सिक्स, तो इधर साइड गए तो यह आएगा 14 इज इक्वल्स टू 6 प्लस एक्स, तो एक्स इज इक्वल्स टू 8 किलोमीटर पर आर। इतनी स्पीड शिप की होनी चाहिए ताकि वो सारे के सारे रेस्क्यू हो सकें। सो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन था, इसके अंदर हम सबसे पहले स्टेप के अंदर ये निकालेंगे कि टोटल पानी अंदर कितना जा रहा है और अंदर कितना जा रहा है और अंदर जा रहा है तो ये बाहर निकलने के समय, तो कुल मिलाकर के जो टोटल क्वांटिटी में भरता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है वो इतना है। और इस स्पीड से अगर ये भरेगा तो 69 टन्स कितनी देर में भरेगा, 5.5 घंटे। 5.5 घंटे में शिप अगर डूब जाएगा, 77 किलोमीटर तय करना है, ये 6 से आ रहा है तो हमें ये पता है कि हमें कैसे निकालना है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, तो इस इतने टाइम के अंदर इतनी स्पीड को तय करना है इतनी स्पीड के साथ, तो ये चीज़ यहाँ पे आ गई। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड आप अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आपके फ्रेंड्स के साथ में इसे, ताकि वो लोग भी समझ पाए, इन क्वेश्चंस को कर पाए जल्दी। एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको टाइम टू टाइम जो भी अपडेट मेरे चैनल पे मिलेगी वो आपको मिलती रहेगी। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, कीप प्रैक्टिसिंग।